नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मुकेश सहनी और भाजपा के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी तल्ख हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरीके की तैयारियां चल रही है, मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मामला अब धीरे धीरे पुराना हो रहा है क्योंकि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश गए थे और उनके कार्यक्रम को रोक दिया गया था। ये काफ़ी समय बीत चुका है। मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन दल के जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें आने से इनकार कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था और नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियां करीबियां बढ़ते जा रही थी। आपको बता दें जीतनराम मांझी के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई थी और चर्चा ये थी कि बिहार में फिर से नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है। मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। वो अपने बयानों की वजह से जाने जाने लगे हैं। अब जिस प्रकार से जीतनराम मांझी जब भी बयान देते थे तो कुछ बखेरा खड़ा होता था बिहार की राजनीति में, कुछ ऐसी बातें सामने आती थी जिसे लगता था कि अब सरकार पर संकट है, जीतनराम मांझी जिसके साथ रहते हैं उन पर संकट है। मुकेश सहनी ने भी कई बार इस बात को दोहराया है। अब मुकेश सहनी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रही है, जिसकी चर्चा मुकेश सहनी ने खुद किया है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार 23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। मैं विशेष तौर पर जातिगत जनगणना एवं निषाद आरक्षण सहित समाज के अन्य मांगों को अपनी मांगे हैं, अपनी बातें हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। आपको बता दें मुकेश सहनी जिन शर्तों पर राजनीति करते हैं वो शर्तें हैं निषाद समाज को आरक्षण, और इन्हीं शर्तों के आधार पर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग उनकी पुरानी है निषाद समाज को आरक्षण को लेकर, जिसके बाद बिहार सरकार सहित केंद्र सरकार ने उनके इस मांग को ठुकरा दिया था। अब फिर से जब मुलाकात होगी तो विशेष तौर पे निषाद आरक्षण को लेकर भी बातचीत होगी। अब आने वाले दिनों में मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है, क्या कुछ बिहार के राजनीति में बदलाव होता है और भाजपा उनकी बातों को कैसे मानती है, क्या दबाव बना पाते हैं मुकेश सहनी, ये देखने वाली बात होगी। आप बन रही हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।